हेलो एवरीवन, ये फिलिप्स का 40 वाट का टी बल्ब है विद आई कंफर्ट टेक्नोलॉजी और दिस इज़ क्रिस्टल वाइट 6500K एंड 40 वाट। और टी बल्ब का ये बेनिफिट होता है कि जो इसकी ब्राइटनेस होती है वो वाइडर होती है, ज़्यादा एरिया में देगी और बल्ब की तरह एक कंसंट्रेटेड एरिया नहीं होगा ये, बट एक ब्रॉड एरिया होगा। और इसमें थोड़ा एंगल का सेटिंग भी है, वो अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। इसकी एंगल को अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, अगर नीचे करना है तो नीचे हो जाएगा और अगर ऊपर की तरफ करना है तो ऊपर हो जाएगा। और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये जो बल्ब है ये 40 वोट का है। मैंने एक ये वाला भी यूज़ किया है जो कि 30 वोट का है। इसको मैंने 3 इयर्स पहले परचेज किया था और अभी भी ठीक तरह चल रहा है। सेम फंक्शन है इसका, ये रोटेट हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। सेम मॉडल सेम है, बट ये 30 वोट का है, ये 40 वोट का है जो अभी परचेज किया है। दिखने में दोनों सिमिलर लगेंगे, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं लगेगा। एक बार चेक करते हैं, जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है। ये 30 वोट है, ये 40 वोट है। अगर मेन वेरिएशन देखें तो यहाँ पे जो है, ये जो 40 वाट की है उसमें 4000 लूमन्स है और जो 30 वोट की है उसमें 3000 लूमन। सो ब्राइटनेस चेक करते हैं, ये 30 वोट की पहले चेक करते हैं। सो ब्राइटनेस का शायद ऐसे मे बी पता ना चले, तो लेट्स ट्राई इट। अभी बैकग्राउंड में एक लाइट पहले चल रही है, पहले मैं इसके साथ में ऑन करता हूँ। और अभी मैं बैकग्राउंड वाली लाइट को एक बार ऑफ करता हूँ। अभी 40 वाट कल करता हूँ। ये अभी बैकग्राउंड लाइट के साथ है, अभी मैं बैकग्राउंड लाइट को एक बार ऑफ करूँगा। अभी बैकग्राउंड लाइट ऑफ है, मैं एक बार और भी ट्राई करूँगा इसको कंपेयर करने के पर्पज़ से, बट जो 40 वोट वाली लाइट है इसका जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।